हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उत्कर्ष एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आप अभी SSCTT का जोरों शोर से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपके बीच लाया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सीखना चाहिए, आप सीखे भी होंगे। अगर जो नहीं जान रहे होंगे वो देखेंगे, समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, SSCTT 2024 सेशन जो वैकेंसी चालू हो गया भराने के लिए। बहुत से बच्चे भर दिए होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भरे होंगे, तो जल्दी से भरिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। आप लोगों को सिलेबस मालूम होगा, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। जैसे इंग्लिश और हिंदी, सभी लोग ध्यान देंगे, इंग्लिश और हिंदी में कोई एक ही सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक है? अगर आप हिंदी दे रहे हैं तो इंग्लिश नहीं देना, इंग्लिश दे रहे हैं तो आपको हिंदी नहीं देना है। सेकेंड सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग, उसके बाद मैथ, उसके बाद जीके जीएस साइंस आपका पूछा जाता है, ठीक है? आइए हम रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, जो बेस्ट तरीके के साथ आपको बताएंगे, ठीक है? आइए हम कुछ लिखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे कोई सब्जेक्ट के लिए। ये आपका मंथली कोडिंग है, मंथली कोडिंग हम लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसका कोडिंग क्या होता है, 1440 2503 6 1 4 1 4 and 6, ये आपका मंथली कोडिंग हो गया। चलिए अब आते हैं वीकली कोडिंग लिखते हैं। वीकली कोडिंग में क्या होता है, इधर लिख देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसका कोडिंग है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब इस तीनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। लेकिन पहली बात ये है कि ये सब कोडिंग हम याद कैसे करेंगे? अभी हम उतार के तो बनाने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमको एग्जाम में इसको तो टैकल करना है जल्दी से, और वो भी सेकंडों में करना है, याद कैसे करेंगे? चलिए आइए याद कीजिए, इसको आप याद कीजिए 100 200 300 400, एक बार भी याद कीजिए 5310। जब भी क्वेश्चन आए 100 200 300 आपको लिख लेना है, अब 5310 ऑर्डर में लिख लेना है, 5 3 1 0। चलिए याद हो गया। अब आपको मंथली का कोडिंग कैसे हो, आप जैसे स्क्वायर वर्ग जानते होंगे, वर्ग जानते हैं, वर्ग क्यों बोल रहे हैं हम, वर्ग इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें वर्ग है, देखिए ये याद करने का तरीका हम बता रहे हैं बस, कि 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो 144 जनवरी फरवरी मार्च, 12 का स्क्वायर 144, 1 4 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 का वर्ग है कि नहीं, इसको 0 5 करेंगे, 0 5 का स्क्वायर 5 का 25 और 0 का 0, तो पहले 0 2 5, उसके बाद 0 6 का स्क्वायर कर देंगे, 0 6 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 0 6 का स्क्वायर क्या होता है, 0 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 0 3 and 6। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का याद कैसे करेंगे, जैसे 12 का स्क्वायर किया था, 12 का स्क्वायर में आप कितना जोड़ देंगे, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिए, बस यहाँ 144 था, यहाँ 146 याद हो गया, 1440250306146, बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो। कैसे, जनवरी फरवरी मार्च 12 का स्क्वायर 144, ठीक है? अप्रैल मई जून 5 का स्क्वायर 25, उसके पहले 0 लगा देगा, 0 2 5 हो गया। उसके बाद जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर कितना था, 6 का स्क्वायर कर देना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 का पहले 0 लगा दीजिए, 0 3 6। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 144 में 2 ऐड करें, 146 146
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। चलिए अब आपका वीकली, जो वीकली डे वाला है उसका कोडिंग है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। चलिए इसको याद कैसे करेंगे, संडे वो दिन सबको छुट्टी मनाते हैं, उस दिन कोई कुछ नहीं करता है, मतलब जीरो, कोई कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ सोना चाहता है ना, सभी लोग बोले क्या जीरो जीरो का साथ स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए हम आपको पहले एक चीज बता देते हैं इसका, जैसे मान लीजिए 1947 इसमें से आपको 400 से डिवाइड करने वाला निकाल देना है, तो 400 से डिवाइड कौन होगा इसका नजदीक 1600 नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर हम लिख देते हैं 1947 इसको हम 400 से डिवाइड करने वाला नजदीक कौन है 1600 है कि नहीं, बाकी बात क्या बच गया 347 बच गया, ठीक है 347 बच गया। या फिर ऐसे ही आप कर सकते हैं कि 100 पार्ट्स को अलग कर दीजिए, 100 वाला को अलग कर दीजिए, 1900 हो गया, अब इधर 47 हो गया, 1900 को 400 से डिवाइड कीजिए, 400 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार बचे आपका कितना 1600 होगा, आपको बचेगा कितना 300 बचाना 300 बचाना, तो 300 का कोडिंग लिखना है कितना है 1, इसका 1 लिख देना है कि 47। बस अभी आप इतना जाने उसके बाद बताते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे है 15 अगस्त 1947। तो इसका क्या होगा 15 का 15 लिख दीजिए, ठीक है 15 का 15, अगस्त का कोडिंग यहाँ से लिखिए, अगस्त का कोडिंग कितना है 3 हो गया। अब 1947 में 1900 है ना, तो 1900 को 400 से भागा दीजिए, कितना बार कटे 4 बार, कितना कटा 16, 300 बचा था, 300 का कोडिंग का बचा 300 का कोडिंग 1, तो 1 डाल दीजिए यहाँ पे 1 डला गया, ठीक है। उसके बाद जो बचा था आपका 47 जो है 47 लिख दीजिए, ठीक है 47 अब लिख दीजिए। 47 को क्या करना है कि 4 से डिवाइड देना, कितना से 4 से डिवाइड देना है, तो 4 से डिवाइड दे कितने बार में जाता है सो लिखना है, सेसफुल नहीं लिखना है, कितने बार में जाता है सो लिखना है, 4 से कितना बार में जाएगा डिवाइड करके 4 से 47 11 11 44, 3 से 16 से 16 मतलब नहीं है, कितना बार में गया 11 बार 11 लिख। और इसके बाद क्या करना है कि खुद से 5 ऐड करना है, खुद से 5 ऐड करना है, अब हो गया, पर फिर सुन लीजिए अब कैसे करेंगे, 15 का 15 हो गया, अगस्त का कोडिंग कितना 3 हो गया, ठीक है 1947 ईयर जो आएगा उसमें आपको क्या करना है 100 पार्ट्स को अलग कर देना है, और जो बचेगा ये दो डिजिट का वो अलग कर देना है, तो 1900 को 400 से डिवाइड कीजिए, 4 बार में कट गया ना 1600, बचा कितना आपके पास 300 का कोडिंग कितना हो गया 1 हो गया, 1 होगा कि नहीं हुआ। अब जो बचा था 47 वो आप 47 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है 47 लिख दीजिए, अभी 47 में 4 से डिवाइड देना है, जितने बार में डिवाइड जाएगा वही यहाँ लिखना है, ठीक है 4 से कितने बार बन गया 11 बार 11 लिख दिए, और लास्ट में खुद से 5 ऐड करना है। अब चलिए क्या करना है, अब सबको क्या कर दीजिए ना ऐड कर दीजिए, 5 6 7 13 13 1 14 14 3 17 17 5 22 3 4 7 7 7 8 8। अभी 82 को क्या कर दीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में गया 7 1 7 एक बचा 12 7 1 7 कितना बचा 5, तो जो शेषफल बचेगा ना जो शेषफल बचेगा उसी को ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो 5 बचा 5 का कोडिंग आपने यहाँ लगा दीजिए, 5 का कोडिंग क्या होगा फ्राइडे होगा, फ्राइडे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था शुक्रवार था, कौन सा दिन था शुक्रवार था, ठीक है अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको मिटाते हैं। देखिए आज कौन सा दिन है, आज है आपका मान लीजिए 6 दिसंबर 2023, 6 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, चलिए निकालते हैं 6 का 6 लिख दिए, दिसंबर का कोडिंग क्या है, दिसंबर का कोडिंग 6 है 6 लिख दिए, 2023 2000 को हम अलग निकाल दिए और 23 को अलग निकाल दिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट गया, और पूरा पूरी कट गया तो कोडिंग कितना होगा 0, 4 से कट गया तो ठीक है 23 का 23 लिख दीजिए, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, जितना बार में जाएगा वही लिखना है, 4 बचे
20, अब खुद से 5 लिख देना, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दी, 6 6 12 12 12 10 22, 22 22 44, अब 45 इन होगा, 20 काउंट करना, 10 20 10 30 33 34 45। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, सिक्सपन कितना आता है, 46 सच्चत 42, बचा कितना, 3 3 3 का कोडिंग कर लीजिए, 3 का कोडिंग बुध था, बुध तो था ही, था कि नहीं था, ठीक है, करेक्ट करना है, फिर से आप सुन लेंगे, एक बार फिर से गौर से सुनेंगे, पहले आपको याद करना है, वार्षिक वाला, 100 का कोडिंग 5 होता है, 200 का कोडिंग 3 होता है, 300 का कोडिंग 1 होता है, 400 का कोडिंग 0 होता है, फिर आपको मंथली वाला करना है, जनवरी का 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कभी भी सिंगल सिंगल डिजिट याद मत कीजिएगा, याद कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का पहले 0 लगाएंगे, 0 2 5, 6 का स्क्वायर का पहले 0 3 6, उसके बाद 1 4 6 1 4 6, याद हो जाएगा, ठीक है, अगर आप याद करें जनवरी का 1 जनवरी का 1 जनवरी का 1 तो आप भूल जाएंगे, जब एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 जनवरी का 1 था कि 4 था कि 0 था, ठीक है, अगर आप ऐसे याद करेंगे 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद 5 का स्क्वायर का पहले 0 लगाते हैं 025, उसके बाद 6 का स्क्वायर का पहले 0 लगाते हैं 036, और 144 का 2 ऐड करके लास्ट में 146, उसके बाद संडे, संडे को छुट्टी होता है, संडे को कोई कुछ नहीं करता, इसी उसको क्या बोलते हैं 0, तो संडे को 0 लिख दिए, उसके बाद सीरियल में आ जाइए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद आसान हो गए, उसके बाद हम बताएं अब ईयर, ईयर 1936 तो 100 इसमें से अलग कर दीजिए, कितने 100 है, 1900 है ना, अब प्लस 46 है ना, इस 1900 को 400 से डिवाइड कीजिए, कितना बार हो गया, 4 बार में कौन कितना गया, 1600, 300 बचा ना, तो 300 का कोडिंग कितना होगा, 300 कोडिंग 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 हो गई, ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखना है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम किए थे 6 दिसंबर 2023, 6 दिसंबर 2023 2023 2023 इसमें से 100 बाहर निकाल देते हैं, 2000 है अभी, 23 अलग है, इसको 4 अगर पूरी पूरी कट गया तो उसका कोडिंग कितना मान लीजिए, अगर पूरे पूरी टोटल कट गया तो उसका कोडिंग 0 मान लीजिए, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है, तो इसका कोड 0 लिख देंगे, अब देखिए 6 दिसंबर का कोडिंग 6 और 2000 का कोडिंग कितना हो गया 0, और 23 जो था 23 का 23 लिख दीजिए, 23 में आप कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 से डिवाइड करने पे जितने बार को डिवाइड जाएगा वो लिखेंगे, शेषफल नहीं लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे, 4 बचे 20, खुद से 5 ऐड कर देना है, अब टोटल को ऐड करने का कितना हुआ 45 को जब ऐड कर तो टोटल को ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा तो शेषफल आएगा, आप अगर यहाँ से काम मिलाना है कोडिंग डे में कौन सा दिन है 7 6 42, शेषफल कितना बचा 3, 3 का कोडिंग मिला लीजिए यहाँ है कि नहीं है, चलिए एक बार हम पूरे मिटा कर उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग से हम पूछते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा ये बताइए, आपको 2 सेकंड का गलत देते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होता है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होता है तो बताइए, चलिए हम बताते हैं 26 का 26 लिख दिए, अब जनवरी, जनवरी का कोडिंग याद कीजिए, जनवरी 1440250360146, कितनी में याद हो जाता है, तो कितना हुआ 1 हो गया, 1950 में 100 कितने हैं 1900, अलग है कि नहीं, अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार 4 बार में तो 16 हो गया ना, बचा कितना 300 का कोडिंग 100 200 300 400 100 200 300 400 100 200 300 400, कितना याद कीजिए 53 10, 53 10, 100 का 200 का 300 का 300 का कितना है 1 याद कर ली, कितना बचा था 50, इसमें कितना से डिवाइड करना 4 से, जितना बार में जाएगा वही लिखना है, तो 4 से डिवाइड कीजिए कितना बार में 4 12 4 48, 12 और खुद से 5 ऐड कर देना, अब इसको टोटल ऐड कर दीजिए 5 7 7 8 8 9 9 6 15 के 5 7 में 1 2 5 7 7 2 9, ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, 7 से डिवाइड करने पे जितना शेषफल बचेगा वो लिखना है, 7 1 7 7 1 7 2 25 4 70 21, क्या हो गया शेषफल कितना है
जान। तो संडे का दिन, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, संडे मंडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा। संडे मंडे, देखिए संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फर्स्ट डे, इसका जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, ठीक है। देखिए चार होता है, कौन सा दिन हो गया? फर्स्ट डे। फर्स्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा याद करना है कि मंथली कोडिंग, ईयरली कोडिंग एंड डे कोडिंग, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, दो चार प्रैक्टिस कीजिए, किताब से प्रैक्टिस कीजिए। आपके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी डीडी, उत्पाद सिपाही, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आपके बीच हम और क्वेश्चन लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ बताते रहेंगे, ठीक है ना। आप मेरे एक चीज बोलेंगे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल @mintuinstitute135, ठीक है। मेरा कोचिंग सेंटर, मेरा कोचिंग सेंटर तत्वरवा कुटी पर है, कुटी पर है। मेरे नजदीक सभी छात्र एवं छात्राएं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9304103773। आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, ठीक है।